नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारा सिफल धाम यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुंभ राशि फल के बारे में कि यह दिन कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, किन किन चीज़ों से इनको फायदा होगा और किन चीज़ों से इनको सावधान रहना होगा, इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी, करियर कैसा रहेगा, बिजनेस और व्यापार कैसा रहेगा और स्वास्थ्य की महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे और साथ में बताएंगे कि आपका शुभ रंग और शुभ अंक क्या है। दोस्तों, वीडियो के अंत में हम आपको एक उपाय भी बताएंगे जिससे आप अपने दिन को अच्छा और बेहतर बना सके। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को दबा दें जिससे समय समय पर हमारी नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं कैसा रहेगा कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन। सबसे पहले बात करते हैं क्या आज आपके लिए पॉजिटिव रहने वाला है। दोस्तों, आज अपने महत्वपूर्ण योजनाओं को क्रियान्वित करने का उचित समय है। आज कामकाज की अधिकता बनी रहेगी परंतु मन मुताबिक तरीके से कार्य संपन्न होने से थकान हावी नहीं होगी। संतान की शिक्षा से संबंधित कुछ भविष्य संबंधी योजना भी भलीभूति होगी। दोस्तों, जीवन के प्रति सकारात्मक रवैया आपके लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि बनाएगा। संतान के किसी उत्तम गतिविधि से मन प्रसन्न रहेंगे तथा मनोरंजन संबंधी प्रोग्राम भी बनेंगे। सिर्फ भावुकता की वजह से व्यवहारिक दृष्टिकोण रखें। दोस्तों, आज का दिन परिवार के साथ आराम और मौज मस्ती में व्यतीत होगा तथा आपके विचारों का आदान प्रदान दिनचर्या को सुखनामा बनाएगा। घर में बदलाव संबंधी कुछ कार्य भी सुचारू रूप से हो जाएंगे। वाहन खरीदने संबंधी योग भी बन रहे हैं। इस समय अपने लक्ष्य को योजनाओं को कार्य रूप देने का अनुकूल समय है। धार्मिक तथा सामाजिक क्षेत्र से जुड़े कार्य में भी आपका रुझान बढ़ेगा। संतान से संबंधित कुछ खुशखबरी मिलने से मन प्रसन्न होगा। दोस्तों, परिवार के साथ समय व्यतीत करने से ऊर्जा और प्रफुल्लता महसूस होगी। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई के साथ किसी भी प्रकार की लापरवाही न करें। घर के रखरखाव और उचित व्यवस्था बनाए रखने में भी आपका उचित योगदान रहेगा। युवाओं को अपने करियर से संबंधित कोई खुशखबरी मिल सकती है। दोस्तों, यह दिन आपके कामों में गति आएगी लेकिन साथ ही ज़्यादा मेहनत की जरूरत रहेगी। सुख सुविधा पर खुले दिल से खर्चा करेंगे। यह दिन आपकी योग्यता और क्षमताओं का भरपूर उपयोग करने का है। हालांकि नतीजा हासिल करने के लिए धैर्य भी रखना पड़ सकता है। कानूनी या सरकारी मामले सूझबूझ से सुलझ जाएंगे। संतान की पढ़ाई और करियर को लेकर महत्वपूर्ण फैसले होंगे जो कि सकारात्मक रहेंगे। किसी निकट संबंधी से चल रहे विवाद का समाधान आपसी सहमति से हो जाएगा। दोस्तों, बात करते हैं नेगेटिव की। कभी कभी आपके स्वभाव में ईगो और अति आत्मविश्वास जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है जो कि उचित नहीं है। नज़दीकी रिश्तेदार के साथ मिलते समय यह ध्यान रखें कि माहौल में किसी प्रकार की नेगेटिव ना उत्पन्न हो। दोस्तों, रिश्तों में विघटनत जैसी स्थिति न उत्पन्न होने दें तथा किसी भी तरह का वाद विवाद को आपसी सामंजस्य में सुलझाने का प्रयास करें। किसी भी उधारी संबंधी लेन देन करना नुकसानदायक हो सकता है। बेहतर है कि मुश्किल सब को धैर्य और संयम से निकालें। दोस्तों, पड़ोसियों अथवा किसी अनजान व्यक्ति के साथ कुछ वाद विवाद हो सकता है। घर के किसी बुजुर्ग के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना जरूरी है। दोस्तों, यह समय मौज मस्ती की बजाय अपने व्यक्तिगत कार्यों में ध्यान देने का है। किसी गलतफहमी की वजह से नज़दीकी मित्र अथवा रिश्तेदार से मनमुटाव हो सकता है। गुस्से की बजाय धैर्य और संयम से परिस्थितियां को संभालें। दोस्तों, संबंधियों के साथ किसी तरह का वाद विवाद में पड़ना आपके लिए मन हानि का कारण बन सकता है, इसलिए अपने स्वभाव में संयम और सहजता बनाकर रखें। इस समय कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय न लें तथा परिवार मामले में ज़्यादा हस्तक्षेप न करें। जो लोग आपके जैसे अनुभव से गुजरे हैं या जो लोग बड़े हैं उनकी मदद जरूर लें और इन लोगों को अपनी समस्या खुलकर बताएं। ध्यान रखें कि परिवार का कोई सदस्य जरूरी बात को छिपाए नहीं और आप भी परिवार के साथ पारदर्शिता रखें। दोस्तों, पैसों से संबंधित काम परिवार को बताए बिना ना करें। दोस्तों, बात कर लेते हैं व्यवसाय की। व्यावसायिक कार्यों के कुछ रुकावटें आने से परेशान हो सकते हैं लेकिन किस्मत को दोष ना दें। अपनी कार्यप्रणाली और अधिक बेहतर बनाने का प्रयास करें। नौकरी पेशा लोगों को अपना टारगेट हासिल करने में उच्च अधिकारियों की भी पूरी मदद मिलेगी।
दोस्तों टूर एंड ट्रेवल्स, कंप्यूटर मीडिया आदि से जुड़े क्षेत्रों में मुनाफादायक स्थितियां बनेंगे। सरकारी नौकरी करने वाले लोगों को मन मुताबिक टारगेट हल होने से मानसिक शांति अनुभव होगी। परिवार तनाव को अपने व्यावसायिक कामों पर हावी ना होने दें। मीडिया तथा ऑनलाइन गतिविधियों द्वारा व्यावसायिक जानकारियां हासिल होगी जो कि फायदेमंद रहेगी। कोई रुकी हुई पेमेंट मिलने से आर्थिक स्थिति बेहतर हो जाएगी तथा किसी नए कार्य को शुरू करने हेतु भी रूपरेखा बनाएं। दोस्तों इसमें व्यवसाय संबंधी वर्तमान गतिविधियों पर ही ध्यान दें। किसी नए कार्य की शुरुआत के लिए अभी समय अनुकूल नहीं है। नौकरी पेशा लोगों के जल्द ही कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि मिलने के योग बन रहे हैं, इसलिए अपने कार्य पर फोकस रखें। वर्तमान कार्य में ही ध्यान दें। नया काम शुरू करने से पहले उससे संबंधित पूर्ण जानकारी हासिल करना जरूरी है। अपनी योजनाओं में किसी अपरिचित व्यक्ति को शामिल न करें। ऑफिस में बॉस तथा उच्च अधिकारियों के साथ संबंध मधुर रहेंगे। दोस्तों नई व्यवसाय योजनाओं पर काम करने के लिए दिन अनुकूल नहीं है, अभी यथावत स्थिति पर ही ध्यान दें। पैसे की उधारी संबंधी लेन देन के वक्त आपसी भी सुनिश्चित जरूर कर लें। कार्यभार की अधिकता की वजह से आपकी ऑफिस का काम करना पड़ सकता है। दोस्तों कार्य क्षेत्र में व्यवस्था रखने के लिए ज़्यादा कोशिश करनी होगी, इसमें आमदनी कम ही रहेगी। फायदे के चक्कर में सुरक्षा संबंधी नियमों का अनदेखी ना करें। हालांकि कुछ भरोसेमंद पार्टियों से आपको ऑर्डर मिलते रहेंगे। वहीं बात करें तो लव लाइफ की, दाम्पत्य जीवन में मधुरता रहेगी। घर के कुछ जिम्मेदारियां आप पर आ सकती है और आप इसे बखूबी निभा पाएंगे। दोस्तों वैवाहिक संबंधों में पारिवारिक मामलों को लेकर कुछ तनाव की स्थिति रह सकती है। आपसी सामंजस्य द्वारा स्थिति को सुलझाने का प्रयास करें। पति पत्नी आपसी सामंजस्य द्वारा घर के किसी समस्या को हल करने में समक्ष रहेंगे। घर परिवार में खुशी भरा माहौल रहेगा और प्रेम संबंधों में भी भावनात्मक नज़दीकियाँ बढ़ेगी। पारिवारिक वातावरण सुखद और अनुशासित रहेगा। प्रेम संबंधों में नज़दीकियाँ आएगी तथा किसी प्रिय मित्र से मुलाकात हो सकती है। दोस्तों बात कर लेते हैं स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य आपका उत्तम रहेगा। अत्यधिक कारोबार की वजह से थकान हावी हो सकती है। आज दिन का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। कभी कभी काम की अधिकता की वजह से थकान रह सकती है। दोस्तों घुटनों तथा जोड़ों का दर्द बढ़ सकता है। स्त्री वर्ग विशेष रूप से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। दोस्तों ठंड से बचाव रखें तथा वादी वाली तजों के सेवन करें। दोस्तों ठंड से अपना बचाव रखें तथा वादी वाली चीज़ों के सेवन से परहेज करें। दोस्तों सर्वकाइल और माइग्रेन जैसी समस्या राहत पाने के लिए योगा और व्यायाम बहुत जरूरी है। साथ ही अत्यधिक कार्यभार अपने ऊपर ना लें। चलिए दोस्तों बात करते हैं आपके उपाय के बारे में। दोस्तों आज गणेश जी का पूजा करने का दिन है। आज स्नान निर्वत होकर गणेश जी को लड्डू का भोग लगाएं, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देंगे। दोस्तों पिछले कुछ दिनों में अपने कष्टों के बारे में गणेश जी को याद किए थे, इसलिए दोस्तों आपको आज गणेश जी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले हैं। दोस्तों आप बात कर लेते हैं आपका भाग्यशाली रंग और भाग्यशाली अंक क्या है। दोस्तों आपका भाग्यशाली रंग नीला है और भाग्यशाली अंक 8 है। दोस्तों अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों को भी शेयर करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से श्रद्धा मन से जय गणेशाय जरूर लिखें। धन्यवाद।